पलाड़ा प्रकरण हुआ, निश्चित तौर पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे सरपंच साहब का बयान हो, इस तरह से इन चीज़ों को इतना तूल नहीं देकर अपने घर में बैठकर हमसे आपस में बातचीत करके इसको मसले को सुलझाना चाहिए। सरपंच साहिब ने कभी भी मुझे ना कॉल करके ना मैसेज दिया ना मेरे पास आए कि भाई इस तरह का कोई प्रकरण हुआ है और मुझे इस तरह से निलंबित किया। और राजनीति का हमेशा से घट रहा है, और मैं तो सब लोगों को आपकी ओर से संदेश देना चाहूँगा कि ये राजनीतिक रूप से हमेशा से नागौर जिला अग्रणी रहा। आप इस तरह से उसको जातिवाद में और इस तरह से छोटी हरकतों में बांटकर आप नागौर की छवि को धूमिल करने का प्रयास न करें। राजस्थान की पर्वतसर विधानसभा में एक मुद्दा छाया हुआ है सरपंच की निलंबन का। हमारे साथ वहाँ के जो MLA हैं पर्वतसर से रामनिवास गावड़िया, वो मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। रामनिवास जी, देश एक तरफ तो कोरोना महामारी से जूझ रहा है और एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आज देश को ज़रूरत है कि इस कोरोना से कैसे लड़े, किस तरह से इस कोरोना को पूरे देश से भगाएं और किस तरह से हमारे जितने भी नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके जो जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम किस तरह से निस्तारण करें। उसी तरफ मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि वहाँ के सरपंच साहिबा मेरे ऊपर इस तरह से आरोप लगा रही थी कि विधायक ने इस तरह का कार्य किया। मैं तो बिल्कुल इस बात को आप सब लोगों के सामने रखता हूँ कि आज इस कोरोना में जहाँ हम सब लोग मिलकर किसी भी पार्टी की हम कोई बात नहीं करते, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सिखाया कि कोई भी दल मायने नहीं रखता, आज हमें देश के लिए ज़रूरत है तो हम सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। और इस दौरान अगर इस तरह का बयान आता है कि मुझे निलंबित करवा दिया गया, देखिए एक विधायक होता है उसके लिए उस विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक नौजवान, किसान और 36 कौम की जनता उसके लिए सर्वोपरि होती है, और उसके लिए हर व्यक्ति उतना ही मायने रखता है जितना कोई भी कितना भी हो, हर व्यक्ति का वोट उसको मिला तो उसका दायित्व भी बनता है कि वो क्षेत्र के लिए काम करें। और इसीलिए मैंने हमेशा से कोशिश की कि पर्वतसर की जनता का मैं हमेशा मान रख सकूं, सम्मान रख सकूं, उनको उन्होंने जो मुझसे उम्मीद लगा रखी है मैं उन उम्मीदों को पूरा कर सकूं। और इस दौरान अगर सरपंच साहब का इस तरह से कोई बयान आया है तो मैं निश्चित तौर पर इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि अगर कहीं उनको लगता है कि मैंने अगर ऐसा किया है तो ये बिल्कुल भी सरासर आपका आरोप मेरे ऊपर जो लगाया गया है। एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है आपने कह दिया आरोप लगा दिया, उन्होंने आप पे आरोप लगाया, पहल करनी चाहिए थी आपको, कोई पहल का प्रयास किया आपने? देखिए, जिस उनका जैसे निलंबन हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस भी मिला, जवाब भी मांगा, उसके बाद डिपार्टमेंट की ये कार्यवाही थी, उसके बाद उन्होंने उसको सस्पेंड किया। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरपंच साहिबा ने कभी भी मुझे ना कॉल करके ना मैसेज दिया ना मेरे पास आए कि भाई इस तरह का कोई प्रकरण हुआ है और मुझे इस तरह से निलंबित किया गया। मैं तो 36 कौम के लिए खड़ा रहता हूँ, और अगर वो भी मेरे पास आते तो मेरे से जो हर संभव मदद होती मैं ज़रूर करता। लेकिन अगर कोई मेरे पास नहीं आए और उसके बाद मेरे ऊपर बेबुनियाद इस तरह से जो आरोप लगाए तो मैं इस बात के मुझे भी लगता है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। मतलब आपको ये लग रहा है कि इस समय कम से कम जो जनता की सहयोग का समय था ऐसे बयानों का नहीं? जी, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अगर उनके आपस में कोई बात हुई तो उनको बैठ कर सुलझानी चाहिए थी, और इस कोरोना से लड़ने के लिए उन लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए था जो जिन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, और हम सब लोगों के साथ मिलकर एक टीम के रूप में उनको काम करना चाहिए था। देखिए, जिस तरह से पलाड़ा प्रकरण हुआ, निश्चित तौर पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे सरपंच साहब का बयान हो, इस तरह से इन चीज़ों को इतना तूल नहीं देकर अपने घर में बैठकर हमसे आपस में बातचीत करके इसको मसले को सुलझाना चाहिए था, और हम लोगों को मिलकर 36 कौम के लिए और जिस जनता ने उनको और मेरे को जीता कर भेजा उनके लिए हमें काम करने का ये सही समय था। और इस समय में अगर इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों की भावनाओं, पलाड़ा प्रकरण है उसको आप पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक जातिवाद का जो जहर घोला जा रहा है। मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूँगा कि नागौर राजनीति का हमेशा से घट रहा है, और मैं तो सब लोगों को आपकी ओर से संदेश देना चाहूँगा कि ये राजनीतिक रूप से हमेशा से नागौर जिला अग्रणी रहा। आप इस तरह से उसको जातिवाद में और इस तरह से छोटी हरकतों में बांटकर आप नागौर की छवि को धूमिल करने का प्रयास न करें, क्योंकि यहाँ जो भी जन नेता जो भी लोग राजनीति करते हैं वो निश्चित तौर पर 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। और आज पलाड़ा के प्रकरण में जिस तरह से स्वयंभू नेता लाइव आकर कह रहे हैं कि हम इस तरह की हरकतें करेंगे, तो यह इन चीज़ों की लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि नागौर हमेशा से राजनीतिक रूप से और हर तरफ से, चाहे वीरों की भूमि के रूप में हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे तेजाजी की महाराज हो, हमेशा से नागौर ने अपना पूरे राजस्थान में और विश्व भर में अपना परचम लहराया। कोरोना की अगर बात करें तो पर्वतसर में भी पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जारी है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ आपकी तरफ से?
देखिए परवेसर में एक महिला कांस्टेबल और एक मुंडोता में एक पॉजिटिव आया, उसके बाद हमने वहाँ पूरी तरह से कर्फ्यू लगाकर उनके लोगों के जो सैंपल लेके उनके भेजे, और रात की ये खबर है कि उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, और जो पहले पॉजिटिव आई थी महिला कांस्टेबल उसके भी जो रिपोर्ट है वो वापस से नेगेटिव आ गई है। तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है और परवेसर वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनकी मदद करें, बेजुबान जो पशु पक्षी है उनकी भी आप मदद करें। और जिस तरह से हमारे आज प्रकृति में जो बड़ा चेंज आया है, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरों में रहकर हमारे पेड़ पौधों को भी पानी देकर उनको नया संचार उनमें करना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि क्योंकि नागौर का जो बेल्ट है उसमें अधिकांश लोग बाहर रहते हैं, उन प्रवासियों के लिए क्या कुछ प्रयास? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहल की है और केंद्र की सरकार से बात चल रही है, और हम लोग भी हमारे स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि उनका उनके आंकड़े लेकर सरकार को हम उपलब्ध करवाएं, ताकि सरकार को भी एक सुविधा मिल सके कि हमारे लोग कहाँ कहाँ बाहर रुके हुए हैं, किन परिस्थितियों में वो अपना गुजारा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार एक पहल करके उनको जल्द अपने घर वापस बुलाएगी। जी बिल्कुल, राज्य सरकार की भी ये पहल शुरू हो गई कि प्रदेश के बाहर जितने प्रवासी हैं जो राजस्थान के, उनको लाने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री स्तर पे शुरू हो गया है, और एक कंट्रोल रूम भी शुरू हो गया है, और जल्द ही वो लोग वापस अपने घरों में आएंगे। लेकिन आपसे भी वही एक निवेदन, सुरक्षित रहना है तो अपने घरों में रहिए, और जो आस पड़ोस में जो लोग हैं उनकी मदद भी कीजिए ताकि कोई भूखा नहीं सोए। नमस्कार।